एबीपी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। रोहित पवार ने अपने परिवार के साथ किया अयोध्या दर्शन। रोहित पवार ने कहा कि आम लोगों के काम के लिए सरकार पर मेरा दबाव है। बेलतरोड़ी इलाके के एक झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, 16 सिलेंडर फटने से 10 नागरिक हो गए घायल। और नागपुर के गणेशपेट इलाके में रात के 1:30 बजे हुई युवक की हत्या, मृतक युवक का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। रोहित पवार अपने परिवार के साथ अयोध्या गए थे। उस पर उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ साथ वे वाराणसी, अजमेर और सारनाथ भी गए, वहां जाकर गंगा की पूजा की। मैं अपने परिवार के साथ वहां गया था। भारत में हर कोई अपने परिवार के साथ यात्रा करता है। मैंने देश और महाराष्ट्र में शांति के लिए प्रार्थना की। मैं वहां के अधिकारियों पर जरूर दबाव बना रहा हूँ, सभी अधिकारियों पर दबाव बना रहा हूँ, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने इस वक्त दी। वीकेबी न्यूज के लिए रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान। नहीं, एक तो अयोध्या के साथ मैं अजमेर भी गया था, सारनाथ भी गया था, वाराणसी भी गया था, वहाँ पे भी पूजा की, गंगा की पूजा की, सरयू की पूजा की। मैं वहाँ पे फैमिली के साथ गया था। जैसे इस भारत में कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली के साथ मंदिर में जाता है, प्रेरणा ठिकान पे जाके वहाँ पे दर्शन लेता है, वैसे मैं वहाँ पे गया था। बहुत अच्छी विजिट थी। वहाँ पे जाके, सब ठिकानों में जाके मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, भगवान के सामने नतमस्तक हुआ और देश और राज्य में शांतता आए, ऐसे में प्रार्थना भगवान से की। अयोध्या जाने के लिए नेताओं की ओर लगी है। मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं फैमिली के साथ वहाँ पे गया था। और मैं अगर आपको भी पूछूँ, आप मंदिरों में जाते वक्त कैसे जाते हो, तो आप कहोगे फैमिली के साथ जाते हो। जैसे आप जाते हो, वैसे भी मैं फैमिली के साथ वहाँ पे गया था। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, नेते वहाँ पे जाते हैं। जैसे आदित्य ठाकरे बहू के बारे में बात की, तो वो 3-4 बार वहाँ पे जाके आए। बाकी जो लोग अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितनी बार अयोध्या इसके पहले गए हैं उन मुझे मालूम नहीं। अब बम्बई का इलेक्शन सामने आया, इसलिए शायद उस हेतु से, राज के हेतु से अगर वहाँ पे जा रहे तो वो गलत चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत हेतु से कोई जा रहा है तो अच्छी चीज़ है। नागपुर में पुलिस की एक टीम ने वाठोड़ा थाने के तहत कई अपराधों का पता लगाते हुए चोरों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलों को बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया है। एक युवक पर कार्रवाई करते हुए हुडकेश्वर से चोरी, मोटर पंप चोरी और चोरी की वारदात का खुलासा भी पुलिस की टीम ने किया है। आमच्या गुन्हे प्रगटीकरण पथकाने जसे या 9 मोटरसायकल वाहनांचा शोध घेतलेला आहे, जप्त केलेले आहेत आम्ही। त्याचप्रमाणे एका विधी संघर्ष बालकाकडनं आम्ही आमच्या पोलीस ठाण्याची एक घरफोडी, एक मोटर पंप चोरी आणि हुडकेश्वरची एक घरफोडी उघडकीस आणलेली आहे। मोडस विधी संघर्ष बालक आहे, थोड्याफार पैशासाठी केलेल्या गोष्टी। वीकेबी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चौहान। नागपुर के बरडी थाने अंतर्गत पुलिस ने चैन और मोबाइल फोन चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार है और पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। 5 मई 2022 को सुबह करीब 10:30 बजे फरियादी अभिषेक राजेश शाहू लोहापुल मानस चौक से आ रहे थे, तभी कुछ चोरों ने उनसे चैन और मोबाइल छीनने की कोशिश की। तभी पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपियों को पुलिस की 5 दिन की गिरफ्तारी हुई है। बरडी थाने के एपीआई कदम ने बताया कि पुलिस फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनांक 5/5/22 रोजी रात्रि 10:30 दरमियान अभिषेक राजेश शाहू वय 22 वर्ष हा फिर्यादी लोहापूल मानस चौक येथून जात असताना तिथे फुटपाथवरती असलेले 3 इसम, त्यापैकी योगेश शांतीलाल धकाते आणि त्याचे 2 साथीदार कमलेश आणि प्रफुल यांनी त्याच्याकडचा मोबाईल आणि चेन जबरदस्तीने खेचून घेऊन पळून जात होते। सदरवेळी आपला स्टाफ पण तिथे पेट्रोलिंगला होता, तिथे लोकांनी आवाज दिला, त्यांनी त्याचा पाठलाग केला असता त्यापैकी योगेश शांतीलाल धकाते यास पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे आणि इतर त्याचे 2 साथीदार कमलेश आणि प्रफुल हा पळून गेलेला आहे त्या ठिकाणाहून, त्यांचा शोध सुरू आहे। त्यातील योगेश शांतीलाल धकाते यास अटक करून पोलीस रिमांड कामी कोर्टामध्ये हजर केलेला असून त्याला 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। पुढील तपास आणि 2 आरोपीचा शोध आम्ही
घेत आहोत. याच्यामध्ये योगेश्वरचा रेकॉर्ड क्राईम रेकॉर्ड आहे, त्याच्यावरती यापूर्वी जबरी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत, तसेच मारामारीचे पण गुन्ह्यामध्ये असल्याचा रेकॉर्ड मिळून आलेला आहे. इतर दोन आरोपीचा शोध घेत आहोत आपण. बीकेपी न्यूज के लिए रोशन बोकडे के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. नागपुर के बेलदौड़ क्षेत्र में वन विभाग की साइट पर स्थित एक झुग्गी बस्ती में आज भीषण आग लग गई. आग में कई घरों में इस्तेमाल होने वाले 16 सिलेंडर फटने से 10 नागरिक घायल हो गए हैं. मौके पर दमकल की 6 गाड़ियों ने लगी आग को बुझाने का प्रयास किया और किसी भी तरह की जानमाल की हानि से बचने के लिए नागरिक खुले मैदान में जमा हो गए. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इलाके की 50 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पार्डी की कापसी पुलिया के पास टिप्पर चालक ने रविवार की दोपहर कोहरा मचाकर बालक और उसके दादा सहित 4 लोगों को चपेट में ले लिया. हादसे में बालक की मौत हो गई और जबकि उसके दादा सहित 3 लोग गंभीर जख्मी हो गए हैं. पुलिस ने टिप्पर चालक को दबोच लिया है. टिप्पर क्रमांक MH40AK6945 ने दोपहर करीब 12:15 बजे कापसी पुल के पास दोपहिया सवार किशन लाल साहू और पोते रूपेश को चपेट में ले लिया. टिप्पर के पहियों की चपेट में आने से रुपेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि किशनलाल गंभीर जख्मी हो गए. हादसे के बाद टिप्पर चालक रिंग रोड की दिशा में भागने लगा. उसने 200 मीटर की दूरी पर ही एक बाइक सवार और उसके साथी मित्र को अपनी चपेट में ले लिया जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए. इसके बाद भी टिप्पर चालक तेजी से भागने लगा. उसने कुछ ही दूरी पर हैदराबाद की ओर जा रहे ट्रैक्टर क्रमांक AP23Y1510 को टक्कर मार दी. ट्रैक्टर पर लदी मशीन और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गए, फिर भी टिप्पर चालक ने भागना जारी रखा. कंट्रोल रूम से सूचना पाकर पारडी थाने के PI कोटना के PSI मिश्रा कापसी पुलिया के पास हुए पहले हादसे के बाद से ही टिप्पर का पीछा कर रहे थे. उन्होंने वीरगांव पुल के पास टिप्पर चालक को जैसे तैसे रोका. पुलिस ने टिप्पर चालक भरतलाल इरपाचे 39 वर्षीय बुट्टीबोरी को हिरासत में ले लिया. नागपुर के HB नगर कॉलोनी में उत्तर नागपुर कौमी एकता मंच की ओर से 8 मई को ईद मिलन का आयोजन किया गया था. इस वक्त प्रवीण दटके और नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति में जश्न मनाया गया. इसी के साथ कई लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहभाग लिया था. बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आप सबको गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति दे, आपका जीवन सार्थक हो, कल्याण हो और आपके जीवन में खुशी और बरसे, यही अल्लाह से प्रार्थना करता हूं. अभी प्यारे खान जी ने बताया
कि हमारी जो मूलभूत समस्या है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, अफसर बनने चाहिए, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान की उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता। मुझे खुशी है कि मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज शायद मैं भी शुरू कर सकता था या किसी को दे सकता था कोटा में, पर मैंने अंजुमन इस्लाम को जो सदर में है उनको दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज करीब 7 से 8 हजार से ज्यादा मुस्लिम समाज के लड़के और लड़कियां वहां से इंजीनियर बनी और अच्छा काम करेंगे। यही हमारे यहाँ शिक्षा हमारा अधिकार है। और दूसरी बात जो हमने सब लोगों ने तकलीफ उठाई वो कोविड के समय उठाई। देखिए कोई व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उस समय जो परिस्थिति थी अनेक हमारे प्रिय व्यक्तियों की उस समय मृत्यु भी हो गई। ऑक्सीजन के कारण लोगों को ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विशेष रूप से ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मरने के कगार पर लोग खड़े थे। हम ऑक्सीजन विशाखापट्टनम से, कभी अंगुल से, भुवनेश्वर के पास से, कभी भिलाई से ला रहे थे, और ऑक्सीजन डॉक्टर देखते रहते थे, राह देखते रहते थे। उस समय प्यारे खान जी का ट्रांसपोर्ट का अच्छा अनुभव था, मैं उनको कलेक्टर ऑफिस लेके गया। उस समय हमारे जो पालक मंत्री नितिन राउत थे उनको भी कोविड हो गया था, लोग डरे हुए थे, कोई किसी को मिलते नहीं थे। मैं कलेक्टर ऑफिस में गया और मैंने कलेक्टर ठाकरे को कहा एक काम करो, ये ऑक्सीजन का काम प्यारे खान को दे दो, एक रूम आप आगे की है जो उसको दे दो, और ये ट्रक का ट्रांसपोर्ट पूरा या ऑक्सीजन का ये काम करेंगे। उन्होंने ऑक्सीजन के ट्रक भी लाए, ऑक्सीजन भी लाया, और लगातार उनके पास 700-800 हजार ट्रक होंगे, करोड़ों का धंधा है। पर उसने पूरा अपना काम धंधा बंद कर दिया, दिन भर वो ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया, और नागपुर में हजारों लाखों लोगों की, विदर्भ में अगर जान बची तो उसके लिए प्यारे खान जी ने जो ऑक्सीजन के लिए कोशिश की, मेहनत की, ये श्रेय उनको है। वो मुझे देते, मुझे देने का कोई कारण नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि मेरी माँ कहती थी कि कर्मण्य वाधिकारस्य, कोई भी काम करके इधर के काम को उसको नहीं बताना चाहिए, करने वाले ने करना चाहिए, देने वाले ने लेना चाहिए, और मांगने वालों ने देने वालों के हाथ मांगने चाहिए, यही हमें कहा गया है। और हमारे यहाँ सभी जगह तुकाराम महाराज से लेकर सभी संतों ने यही कहा है कि जो गरीब है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण की हम सेवा करें। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है, जो पेट्रोल हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। पर हमारे बुनियादी सवालों की तरफ हमारा ध्यान कम है, और समय समय पर जो चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए उधर ध्यान चला जाता है, जिससे समाज का नुकसान होता है। आज सुबह राष्ट्रपति नागपुर आए थे, उन्होंने आईएम का उद्घाटन किया, निहान में बना हुआ है, नागपुर एजुकेशन हब बना, नागपुर मेडिकल हब बना, अब नागपुर लॉजिस्टिक हब बना, और इसमें अनेक लोगों को इसका फायदा हुआ है। 5 मेडिकल नागपुर में, 5 मेडिकल कॉलेज बने, आज नागपुर में करीब 50 इंजीनियरिंग कॉलेज है। अभी फॉल्कन कंपनी का हवाई जहाज 13 सीटर जेट नागपुर में फरवरी 22 के एंड तक बनने वाला है। और इसलिए हमारे लड़कों को रोजगार कैसे मिले, हमारे यहाँ के लोगों को मकान कैसे मिले, जो जवान लड़के उनको रोजगार कैसे मिले, और हमारे गरीबों को 2 समय की रोटी कैसे मिले, मकान कैसे मिले, ये हमारी समस्या है। और इन समस्याओं से दूर करने के लिए हमको काम करना है। मुझे बहुत खुशी है कि ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट में सबसे पहले ईमानदार, भ्रष्टाचार न करने वाला ईमानदार व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में मिला है।
और मैंने उनको कहा कि इसके पहले जो लोग करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं, जिनने ताजुद्दीन बाबा को लूटा है वहां से, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करो। उनका कोई मजहब नहीं होता, वो केवल चोरी और भ्रष्टाचार का काम करते हैं। ये पैसा गरीबों ने डाला हुआ था और मैंने उनसे एक इच्छा व्यक्त की कि आप जमीन खाली करो। 400 लोगों का सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा ताजुद्दीन बाबा के नाम से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये ताजुद्दीन बाबा के स्मरणार्थ बनना चाहिए, मैं इसके लिए मदद करूंगा। और जो लाखों हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, उनको निःशुल्क रूप से वहां सब प्रकार के ट्रीटमेंट मिलने चाहिए। मुझे विश्वास है कि पारे खान जी के नेतृत्व में ये काम पूरा होगा। उन्होंने वहां मुस्लिम महिलाओं को सिखाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यही समय की आवश्यकता है। अगर हमको दुनिया के रेस में आगे जाना होगा तो हमारे बच्चों को नॉलेज ज्ञान देना होगा। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी। नागपुर के गणेशपेट स्वीपर कॉलोनी भालदारपुरा में एक व्यक्ति की रात 1:30 बजे हत्या हुई, ऐसी जानकारी पुलिस विभाग को मिली। पुलिस विभाग घटनास्थल पर पहुंचा। मृतक की पहचान 22 वर्षीय विजय अंकुश तायवाड़े के रूप में हुई। इस मृतक व्यक्ति का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है, पर लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति छेड़छाड़ करता था और इस व्यक्ति ने आरोपी को मारने की धमकी दी थी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। रात्री 1:30 दरम्यान भालदारपुरा इथून माहिती मिळाली, त्याच्यावरून आम्ही स्वतः वरिष्ठ अधिकारी एसीबी डीसीबी घटनास्थळी भेट दिला। त्या ठिकाणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला एक भालदारपुराचा इसम, ज्याचं नाव विजय अंकुश तायवाडे, वय 22 वर्ष, त्याचा क्रिमिनल रेकॉर्ड पण आहे आणि त्याची मर्डर झाल्याची माहिती मिळाल्यावर आम्ही पंचनामा करण्यात आला। तिथं रात्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट झाली। नेमकं हत्येचे कारण काय ते लोकांकडून समजलं की हा छेडखानी करतो, रंगदारी करतो, आणि 4-5 दिवसापूर्वी त्याच्या आजीचं पण एक रिपोर्ट होता एनसी, त्याच्यात पण आम्ही त्याला अटक केलं होतं, एक गुन्हा पण दाखल झाला होता, याला अटक केलं होतं मृतकाला। आणि मृतकांनी हे जो संशयित आरोपी आम्ही जे ताब्यात घेतलेले आहे त्यांना पण धमकी दिलं होतं, तुम्हाला मर्डर करून अशा पद्धतीने त्याच्या धमक्या पाहून ह्या लोकांनी 12-12:30 दरम्यान 8 तारखे रात्री 12-12:30 दरम्यान गेले आणि आम्हाला खबर मिळालं 1:30 वाजता, तर संशयित आरोपीने आम्ही ताब्यात घेतलं, तपास सुरू आहे। यामध्ये एकूण कितने आरोपी आतापर्यंत आपण अटक केले आहे आणि यापूर्वी ज्या मृतक आहे या कोणकोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहे याबद्दल काय माहिती? त्याच्यात ताब्यात घेतलेल्यापैकी एकावर टोटल 17 गुन्हे आहे, की तो लकडगंज परिसरातला आहे, सूरज उर्फ वाटे तो चंद्रपूरला तडीपार आहे, ह्यांनी मृतकांनी फोन केला होता, याला धमकी दिला म्हणून ह्याची समजूत काढण्यासाठी भेटीसाठी आले होते, त्या दरम्यान हा घटना घडलेली आहे। त्याच्यात प्रॉपर लोकल जे मृतकाच्या शेजारी आहेत बक्सरे आणि इतर लोक जे आहेत संशयित आहे, सर्व संशयित आहे, तपास सुरू आहे, तर यांनी होऊ शकते यांनी त्याचा मर्डर केला असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे। सध्या आरोपींचे नाव क्लिअर सांगता येत नाही, ताब्यात घेतलेले आहे, चौकशी सुरू आहे। बीकेबी न्यूज के लिए रोशन बोकड़े। जिले के चंदू रेलवे के ग्रामीण अस्पताल में मात्र 4 नर्सों पर अस्पताल का पूरा बोझ है। इस अस्पताल में एक पद रिक्त है और 2 नर्स बीमार है। अमरावती जिले के चंदू रेलवे कस्बे में एक ग्रामीण अस्पताल भी है, लेकिन अस्पताल में रिक्तियां होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। चंदू रेलवे येथील जो आरोग्य का भार है तो चंदू रेलवे एकमेव असलेला ग्रामीण रुग्णालय, आणि या ग्रामीण रुग्णालयात जे आजूबाजू पूर्ण तालुक्याचे जे लोक आहेत त्यांच्या खूप वाढती पेशंटची संख्या पाहता इथे खूप मोठा ताण इथच्या स्टाफवर येतो, आणि इथे जो अधिपरिचालिकाचं जे पद आहेत ती एकूण 7 आहेत, मात्र कार्यरत हे फक्त 4च आहेत, आणि अशात त्या 4 लोकांवर खूप ताण येतो। माझी अशी जिल्हा चिकित्सकाचे अधिकाऱ्यांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी हे 7ही जागा पूर्ण कार्यरत कराव्या। 3 जागा त्यांनी ज्या रिक्त असलेल्या त्या पूर्ण तातडीने भरून आरोग्याच्या सेवा या नागरिकांना पुरवाव्यात आणि त्यांना योग्य तो न्याय द्यावा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष का शुभारंभ आज प्रातः नागपुर रेशी बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर के महर्षि व्यास सभागृह में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संघ शिक्षा वर्ग का आज शुभारंभ हुआ।
उद्घाटन समारोह में पालक अधिकारी तथा अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख मंगेश जी भेंडे ने देशभर से आए शिक्षार्थियों को उद्बोधित करते हुए कहा कि संघ शिक्षा वर्ग में आए शिक्षार्थियों की भाषा अलग अलग होती है, किंतु सभी की हृदय की भाषा एक होती है। इस एकात्मता से सभी भाषा समझ लेते हैं और कोई समस्या नहीं होती है। यही संघ शिक्षा वर्ग की विशेषता है। शिक्षार्थी अगले 25 दिन यहाँ मिलकर रहेंगे। जब वर्ग समाप्त होकर जाने लगते हैं तो आपस में गले लगाकर रोने लगते हैं। मन में श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना में लगेंगे तो कार्य में सफल होंगे। मन के कार्य के प्रति, विचार के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होती है तो कुछ भी संभव हो सकता है और उसी से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। वर्ष 1927 में हुए प्रथम संघ शिक्षा वर्ग का उल्लेख करते हुए मंगेश जी भेंडे ने बताया कि नागपुर में महल स्थित केंद्रीय कार्यालय के पास पुराने मोहिते बाड़ा में हुए इस वर्ग में कुल 17 स्वयंसेवक सहभागी थे और वर्ग 40 दिनों का था। डेस्क रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।